चलिए स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे अगर बात की तो आज हम लोग देखेंगे आपका करंट अफेयर के बारे में, है ना। और अगर मैं बात करूं आपसे करंट अफेयर के बारे में, हाँ आकांक्षा आदर्श ओके जरा इसको एक बार शेयर कर देना, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका करंट अफेयर के बारे में। हाँ गुड मॉर्निंग, मैं बढ़िया हूँ आकांक्षा, आप बताइए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आज हम लोग आपका करंट अफेयर देखेंगे और करंट अफेयर यहाँ पे आपके रहेगा मे मंथ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके इसके अलावा और भी कई सारी चीजों को ऐड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें अगर बात की जाए आपसे। वेरी गुड, तो तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? करंट अफेयर तो चलिए हो जाएगा, है ना। बाकी सारे टॉपिक्स आपके कैसे चल रहे हैं क्लैट के लिए? तो यहाँ पे अगर बात की है तो आज के लिए आपका यहाँ पे मंथ हो जाएगा मई का, तो मई के मंथ से हम लोग यहाँ पे आपका देखेंगे करंट अफेयर को, ठीक है। प्लस इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए कुछ अवार्ड्स है, राइट, कुछ अवार्ड्स है यहाँ पे आपके, जो कि यहाँ पे आपके दिए गए थे। अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पर एक है आपके लिए बाफ्टा अवार्ड, ठीक है, आज इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और दूसरा है फोर्ब्स की वो लिस्ट जिसमें आपको बताया गया था कि सबसे महंगे खिलाड़ी हाईएस्ट पेड एक्टर्स कौन कौन से, ठीक है। तो ये है दो यहाँ पे आपकी लिस्ट। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कितने लोग हैं जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है यूपी के वैकेंसीज को भरने के लिए, कितने लोग आप लोगों में से इंटरेस्टेड है जो यूपी की वैकेंसी को भरना चाहते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी, ठीक है। अगर भरनी हो, अगर आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट हो तो आप लोग यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम भर सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी। और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको ये अभी जो पहला पेपर होगा वो पीईटी होगा, यानी प्रीलिम टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके इसमें जो स्कोर कार्ड बनेगा फिर आपको मौका मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी का मेंस का एग्जाम देने के, ठीक है। तो याद से और जरूरत से ज्यादा यहाँ पे आप इस यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम का 21 जून से पहले, 21 जून से पहले यहाँ पे इसको आप जो है फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, हाँ जी, अब इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए सफलता क्लासेस के द्वारा फ्री कोर्सेज, ठीक है। तो देखो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो फ्री कोर्सेज आपको मिलते हैं, है ना, तो ये जो फ्री कोर्सेज हैं ध्यान रखिएगा आपको इसको केवल शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। क्या शेयर करना है जरा ध्यान सुनिए, यहाँ पे एक तो आपके लिए फ्री क्लासेस है, मतलब हर एक एग्जाम के वीडियो है आपके पास। अब जैसे मान लो आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, राइट, अब आपको यहाँ पे एसएससी की वीडियो देखनी है या यूपीएसआई की या एसबीआई क्लर्क की, तो ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे उस एप्लीकेशन पे फ्री। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए ई बुक्स भी होंगी, मतलब किताबें होंगी पढ़ने के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए होंगे मॉक टेस्ट, यानी कि टेस्ट। तो यानी कि पहले वीडियो देख लो, फिर इसके बाद किताब पढ़ लो, और उसके बाद जब खुद को चेक करना हो तो एक टेस्ट भी डालो। तो ये है दोस्तों यहाँ पे तरीका जो आप यहाँ पे उपलब्ध करा, जो आपको मिलेगा यहाँ पे फ्री के रूप में, ठीक है, बिल्कुल टोटली फ्री होता है। अच्छा, इसके अलावा यूट्यूब शेड्यूल, यहाँ पे कितने लोग हैं जो आशी मैम की ये क्लास क्लैट वाली देखते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे? आप लोगों में से कौन कौन है जो आशी मैम की ये क्लैट वाली क्लास को देखते हो? कितने लोग हैं यहाँ पे जो आशी मैम की ये क्लैट वाली आपकी एग्जाम को देखते हैं? इसमें इनके द्वारा आपकी बार आपका जो है जो जो क्वालिटी का जहाँ पे चल रहा है ना, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड आकांक्षा। तो यहाँ पे आपके लिए जो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, इससे पहले मैम ने जो है आपको कुछ टॉपिक्स कराए थे, याद है, कुछ टॉपिक्स कराए थे, ध्यान है आप दोनों को, कुछ टॉपिक्स कराए थे, वो टॉपिक्स एक बार देख लो, ठीक है, वो आपके क्लैट के एग्जाम के लिए करंट अफेयर में जरूरी है, ठीक है। अब इसके अलावा बात की जाए आपसे तो यहाँ पे है आपके लिए बाफ्टा अवार्ड्स। बाफ्टा अवार्ड्स पहले इसके फुल फॉर्म से जानिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बाफ्टा अवार्ड्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। तो यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाफ्टा अवार्ड्स की अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो बाफ्टा अवार्ड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा ब्रिटिश अकेडमी, बीएसए, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। फिर से दोहरा रहा हूं, बाफ्टा अवार्ड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा आपके लिए ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। तो दोस्तों ये है आपके लिए बाफ्टा। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया था, मतलब इसको दोस्तों प्रायोजित किसके द्वारा किया गया था, कौन यहाँ पे एंकर बना, ठीक है। तो यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा रिचर्ड अयोडे। क्या नाम है दोस्तों? रिचर्ड अयोडे को यहाँ पे आपका बनाया गया था होस्ट, यानी कि संचालक, जो खड़े होकर माइक पे बोलते हैं ना, वो है रिचर्ड अयोडे। और अगर बात करें आपसे यहाँ पे अवार्ड्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो दो तीन कैटेगरी है टोटल, तीन कैटेगरी कौन कौन सी? एक है एक्ट्रेस की कैटेगरी, दूसरी है एक्टर की कैटेगरी, और तीसरी हो जाएगी आपकी ड्रामा, या ड्रामा के अलावा कॉमेडी जो सीरियल होगा उसकी कैटेगरी, ठीक। तो याद रखना ये आपका सीरियल के लिए दिया जाता है, सीरियल या फिर वेब सीरीज के लिए दिया जाता है, नंबर वन पॉइंट। अब इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, ओके, अब धीमे धीमे करके सब लोग आ पा रहे हैं ना, कोशिश करके जरा आप लोग इसको शेयर कर दो ग्रुप में, है ना, बता दो क्लास शुरू हो गई है, तो जितने लोगों को जहाँ पे ज्वाइन करना होगा करंट की क्लास को वो कर लेंगे, ठीक है।
देखो ऑलरेडी क्लास हो आपकी, यहाँ पे जो बात की जाए तो आपकी शुरू हो चुकी है ना। अब देखो यहाँ पे इसको याद कैसे किया जाए, जरा ध्यान सुनाइए, बहुत अच्छी ट्रिक है आपके लिए। बाफ्टा अवार्ड्स को कैसे यहाँ पर हम लोग बातों बातों में याद कर सकते हैं, ठीक है? तो जरा सुनिएगा कि यहाँ पे पम्मी ने बचाया, पम्मी ने, ध्यान सुनना, पम्मी ने बचाया, और क्या कहाँ से बचाया? पम्मी ने बचाया कूपर और लकड़ी के नीचे से। तो पम्मी ने बचाया कूपर और लकड़ी के अंदर से, सॉरी नॉट नीचे से, अंदर से बचाया। ठीक, ध्यान सुनना ये ट्रिक को। तो पम्मी ने बचाया कूपर और लकड़ी के अंदर से, ये हो गई ट्रिक। अब अगर मैं बात करूं यहां पे आपसे सबसे पहले पम्मी के बारे में, तो पम्मी को कुछ इस तरीके से लिखूंगा मैं, ठीक? अब यहां पे पी ए से हो जाएगा आपके लिए पॉल, और मी से हो जाएगा आपके लिए मिशेला। बोलो मिशेल हो जाएगा या मिशेल होगा, ठीक है? तो ये हो गए दो यहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेस जिनको बाफ्टा के अंतर्गत बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, ठीक? अब पम्मी ने क्या किया आपका, बचाया है, तो बचाया बन गई आपकी ड्रामा सीरीज। क्या नाम हो गया आपका? सेव मी टू। तो सेव मी टू हो गई ड्रामा सीरीज, और उसमें पम्मी का मतलब क्या हो गया? पॉल और मिशेला, ठीक? तो मिशेला कोयल और पॉल मिशल, ये इन दोनों को मिला है आपका बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक? अब इसके अलावा अगर बात करें तो कूपर कहाँ पे बचाया था, किसके अंदर बचाया था? कूपर और लकड़ी के अंदर ना। तो ये कूपर और इस चार्ली कूपर और एमी वुड, लकड़ी का मतलब एमी वुड, इन दोनों को बेस्ट कॉमेडी करने का अवार्ड दिया गया। इन दोनों को बेस्ट कॉमेडी करने का अवार्ड दिया गया किसको? यहां पे आपका चार्ली कूपर और एमी लू वुड, ठीक? अब इसके अलावा बात करें अंदर, तो इनसाइड नंबर 9, ये हो जाएगी बेस्ट कॉमेडी सीरीज, ठीक? अब अगर ये ट्रिक समझ में आ रही हो तो एक बार जरा कमेंट बॉक्स में आके यस सर जरूर लिख, फिर हम लोग आगे बढ़ते। हाँ जी, अगर समझ में आ गई तो एक बार यस सर लिख दो, फिर यहां से एक छोटा सा क्विज कराते हैं ताकि आपको याद हो जाए ये सारे नाम बाफ्टा अवार्ड से जुड़े, और बाफ्टा अवार्ड पूछे जाते हैं, ठीक है? फटाफट आने जरा कमेंट बॉक्स में एक बार। ठीक है, चलो आदर्श तैयार है, बाकी सब आकांक्षा और विवेक क्या हाल चाल है भाई? शुरू किया जाए, बोलो क्विज को शुरू किया जाए। अच्छा, अगर चाहो तो माइक भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है? ये भी यहाँ पे एक तरीका हम लोग ले सकते हैं, है ना? ठीक है, अगर माइक ओपन करना हो तो वो बता दें, ठीक है? चलो पहले क्विज करते हैं। क्विज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए लीडिंग एक्ट्रेस एक्ट्रेस है ड्रामा के, कॉमेडी के, और बेस्ट कॉमेडी सीरीज, ठीक है? चलिए आप फटाफट तैयार हो जाएगा, उसी सीरीज में पूछने जा रहा हूँ। मुझे जरा बताना यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था? पम्मी याद रखना, अपने आप नाम याद आ जाएगा, पम्मी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको गया था? क्विकली क्विकली आंसर देना है, स्पेलिंग गलत है तो परेशान मत हो, स्पेलिंग मेरी भी गलत हो जाती, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है? क्विकली बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था, याद है? लग रहा भी याद नहीं हुआ है ना, चलो एक बार फिर से दिखा देते हैं, या फिर से एक बार देख लो। यहां पे मैंने बताया पम्मी, ठीक है, तो मी से क्या था आपके लिए? मिशेला था, और पम्मी में पीए से क्या था आपके लिए? वो था पॉल मेकल या मेशल, ठीक है? तो यहाँ पे पम्मी का मतलब हो गया आपके लिए मिशेला और पॉल, इनको दिया गया था बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड। और अगर मैं कहूं तो पम्मी ने बचाया था, तो सेव मी टू, सेव मी टू हो जाएगी यहाँ पे आपकी बेस्ट ड्रामा सीरीज। और इसके अलावा यहाँ पे कहां से बचाया था? तो लकड़ी और कूपर के अंदर से बचाया था ना, तो कूपर और वुड ये दो व्यक्ति थे जिनको आपका बेस्ट एक्ट्रेस का और एक्टर का अवार्ड दिया गया था, और अंदर का मतलब है इनसाइड नंबर 9, ये दिया गया था बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड, ठीक है? चलो एक बार फिर से बताना, अब की बार चलो मुझे बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो इनका नाम हो जाएगा मिशेल, ठीक? अब जरा बताना बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको गया था, क्विकली सब लोग बताइएगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ किसको दिया गया। यहाँ पे आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया था, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा आंसर क्या होगा। चलो भाई एक आंसर आया, चलिए शाबाश आदर्श, ठीक है? बाकी सब, बाकी सबके क्या हाल चाल है? आंसर है सही आपका आदर्श, ठीक है? चलो तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये तो नाम था किसका, बेस्ट एक्टर का, ठीक? अब जरा सब लोग मुझे बताना मिलकर कि यहाँ पर बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसको गया था। ड्रामा सीरीज, ड्रामा सीरीज का मतलब होता है कि जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी उस टाइप का,
तो बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड यहाँ पे किसको दिया गया था? तो पॉल ने यहाँ पे पम्मी ने बचाया था ना, बस उसी से याद आ गया। उसी से अगर नाम याद आ गया हो तो टाइप कर दो सर। सेव मी टू, शाबाश आदर्श, बहुत अच्छे। तो यहां पे अगर बात की जाए आपसे दोस्तों, तो यहाँ पे बेस्ट ड्रामा सीरीज आपका गया था अवार्ड सेव मी टू। ठीक, चलो एक और बता दो, बस एक और बता दो, बेस्ट कॉमेडी सीरीज का किसको गया था? पम्मी ने बचाया था अंदर से, ऊपर और वुड के अंदर से। तो अंदर से यहाँ पे आपकी कौन सी सीरीज हो जाएगी? अंदर से। कौन सी सीरीज हो जाएगी आपकी? अंदर से। अरे इनसाइड नंबर नाइन भूल गए क्या? इनसाइड नंबर नाइन बोलो, इनसाइड नंबर नाइन हो जाएगी यहाँ पे आपकी, आपकी बेस्ट कॉमेडी सीरीज इनसाइड नंबर नाइन। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है चलो आगे बढ़ते। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट। ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछी गई, तो जरा ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे दोस्तों, तो नंबर वन जो रैंक थी आपकी वो दी गई थी कॉनोर मैकग्रेगर को। और याद रखिएगा, ये कॉनोर मैकग्रेगर जो है आपके दोस्तों, ये आपके यूएफसी के जो है मेंबर है, और ये यहाँ पे मिक्स्ड मार्शल आर्ट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट का मतलब होता है कि इसमें मुक्केबाजी और पैर से भी लड़ाई की जा सकती है। तो इसमें कॉनोर मैकग्रेगर ये दुनिया के सबसे महंगे एथलीट है। वहीं दूसरे नंबर पे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इनके बारे में एक चीज और जानिएगा, इनको इस वर्ष का गोल्डन फुट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो इनको यहाँ पे आपका गोल्डन फुट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे तीन खिलाड़ी हो गए, कितने खिलाड़ी हो गए? तीन खिलाड़ी हो गए यहाँ पे आपके, कौन से? कॉनोर, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो इसको अगर याद करना हो तो इसको इस तरीके से याद कर लेना, काली की डाक। क्या हो जाएगा आपका? काली की डाक। ये टॉप फोर नाम हो गए। कैसे? काली से क्या हो जाएगा आपके लिए? कोनोर, लियोनेल, क्रिस्टियानो और इसके अलावा डाक प्रेस्कॉट। तो डाक प्रेस्कॉट जो है ये आपके यहाँ पर जो है, जो बेसबॉल गेम होता है ना, जिसको फुटबॉल भी कहा जाता है, हाथ से खेलते हैं, ये उसके खिलाड़ी। ठीक है, और वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो पांचवें नंबर पे हो जाएंगे लेब्रोन जेम्स, पांचवें स्थान पे। तो याद रखिए लेब्रोन जेम्स के बारे में, ये आपके बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं नंबर वन पॉइंट और नंबर टू पॉइंट। बास्केटबॉल के खिलाड़ी होने के साथ साथ इनको इस वर्ष का हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से भी नवाजा गया है। क्या हॉल ऑफ फेम का मतलब समझते हो? कि जब इनका नाम सबसे मशहूर खिलाड़ियों में शामिल हो जाए, उसको कहा जाता है हॉल ऑफ फेम। और अगर बात करें दोस्तों, तो इनको एक अवार्ड और मिला था, और इस अवार्ड का यहाँ पे आपके लिए नाम हो जाएगा लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। क्या नाम होगा? नोट कर लेना, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था यहाँ पे आपका किसको? यहाँ पे लेब्रॉन जेम्स। ठीक है, अगर ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो एक बार जरा यस सर लिखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके आज के आपके क्वेश्चंस की तरफ। अगर ये सारी चीजें, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो, तो एक बार जरा यस सर जरूर लिखिएगा। चलिए, ओके, क्लियर है? आकांक्षा को क्लियर है? बाकी सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, ठीक है। चलिए, अब पहला सवाल लिखिए। ये आपके मई माह का है, ठीक है, मे मंथ का है आपके लिए। अब इसमें अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, ध्यान सुनिएगा कि किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के जो फेस कवरिंग होता है दोस्तों, उस पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है। सवाल को समझिएगा, यहाँ पे अगर मंजूरी की जगह आपके दोस्तों शब्द आ जाता कि यहाँ पे जन संग्रह कराएगा, जनादेश कराएगा, ठीक है, जिसको हम लोग रेफरेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेफरेंडम कहते हैं। तो आपके पब्लिक प्लेस पे चेहरे को ना ढका जाए, इस पे रोक लगाने के लिए रेफरेंडम यानी कि आपका जन संग्रह या जनादेश करवाया गया था दोस्तों स्विट्जरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड के द्वारा। यहाँ पे आपका दोस्तों जन आग्रह कराया गया था, रेफरेंडम कराया गया था स्विट्जरलैंड के द्वारा, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके पब्लिक में जाकर के अपना चेहरा ना ढके। ठीक, अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे अब मंजूरी किसने दी है? तो राइट आंसर दोस्तों आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका। अभी बातें खत्म नहीं हुई, अब जरा आगे सुनिएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे बात की जाए, तो इसी के अंतर्गत यहाँ पे फ्रांस का नाम आप सबने सुना होगा, फ्रांस। तो फ्रांस के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो आपका कट्टरवाद इस्लाम है, तो कट्टरवाद इस्लाम के खिलाफ यहाँ पे आपका दोस्तों एक्ट यानी नियम पारित किया गया था फ्रांस सरकार के द्वारा। अब एक और पॉइंट सुनिएगा चाइना के बारे में। चाइना के द्वारा दोस्तों यहाँ पे आपका
चाइना के द्वारा। यहाँ पे आपका दोस्तों जो जिंगजियांग एरिया है, जिंगजियांग एरिया है, यहां पर आपका दोस्तों प्रतिबंध लगाए गए हैं आपके दोस्तों कट्टरवादिता को समाप्त करने के लिए। ठीक है, अगर ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हो आपको यहाँ पे फेस कवरिंग से जुड़े हुए, तो एक बार जरा यस सर लिखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया एक एक पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं सार्वजनिक स्थानों में फेस कवरिंग में या फिर मंजूरी देने में, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, आपका सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवरिंग को लेकर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य सरकार के द्वारा जीता गया था, किस राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे आपका ये ई पंचायत पुरस्कार जीता गया था, ये आपके लिए प्रश्न, इसका जवाब बताइएगा। ई पंचायत पुरस्कार का मतलब है कि यहाँ पे सबसे अच्छा पंचायतों के द्वारा काम किस राज्य में किया गया, यह है सवाल। ठीक है, और अगर बात करें आपसे यहाँ पे, हाँ आदर्श ने आंसर दिया है, वेरी गुड आदर्श, राइट आंसर यहाँ पे आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक, लेकिन जानिएगा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे हो जाएगा आपके लिए असम, और असम के अलावा छत्तीसगढ़। ये दो ऐसे राज्य हो गए दोस्तों जो कि दूसरे स्थान पे थे, और अगर बात किया तीसरे स्थान पे तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा उड़ीसा, और उड़ीसा के साथ साथ तमिलनाडु। ठीक है, ये है तीन राज्य दोस्तों जिन्होंने ई पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत आपका जीता है अवार्ड। अब अगर बात करें आपसे यहाँ पे, ये तो 2021 की बात है ना, अगर मैं बात करूं 2020 में, तो ये 2020 में यहाँ पे अवार्ड किसको दिया गया था, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों आपके लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश के द्वारा यहाँ पे आपका जीता गया था ई पंचायत पुरस्कार। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, अब अगला सवाल है आपके लिए यहाँ पे, वेयर अबाउट नामक उपन्यास किसने लिखा, वेयर अबाउट नामक उपन्यास किसने लिखा है, यह है सवाल आपके लिए। फटाफट बताइएगा इसमें से, आप चेक करके इसमें राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं कहूं ये छुपा नहीं है, ये झुंपा है, ये क्या है आपके लिए, ये झुंपा लाहिरी। ठीक, तो आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके अलावा, तो डेन मोरेन के द्वारा भी एक प्रसिद्ध बुक लिखी गई है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बुक का नाम हो जाएगा कमलाज वे। क्या नाम होगा, कमलाज वे नामक किताब को लिखा है डेन मोरेन के द्वारा। यहाँ पे ये आत्मकथा है, किसकी एक आत्मकथा है दोस्तों, तो ये है आत्मकथा दोस्तों कमला हैरिस। कमला हैरिस ये अभी वर्तमान समय में आपकी 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और इनके आधार पे, इन्हीं के जीवन के आधार पे लिखी गई कमला वे डेन मोरेन के द्वारा। ठीक, अब इसके अलावा अगर बात किया दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए जो झुंपा लाहिरी है दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करें तो झुंपा लाहिरी के द्वारा एक किताब और लिखी गई थी, क्या पता है आपको आकांक्षा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, झुंपा लाहिरी के द्वारा यहाँ पे एक किताब आपके लिए और लिखी गई थी, क्या नाम हो जाएगा उसका। झुंपा लाहिरी के द्वारा एक किताब आपकी और लिखी गई थी, उसका नाम क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके लिए आपका नाम हो जाएगा द नेम सेक। शायद इसके नाम से मूवी भी देखी हो, नेम सेक के नाम से अगर आपने मूवी देखी होगी, तो ये वो यहाँ पे आपका जो कह सकते हैं मूवी थी जिसमें इरफान खान जैसे महान एक्टरों ने कार्य किया था, तो ये इन्हीं के द्वारा लिखी हुई नॉवल है झुंपा लाहिरी के द्वारा, द नेम सेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है आपके लिए, सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 में सबसे अधिक सैनिक खर्चा करने वाला देश कौन है। देखो सवाल क्या पूछा है कि यहाँ पर आपके जो सैन्य हथियार होते हैं ना, जो आपके सैन्य हथियार होते हैं, इन सैन्य हथियारों को दोस्तों सबसे ज्यादा किस देश के द्वारा खरीदा गया है, या फिर सबसे ज्यादा इसमें पैसा लगाया गया, यह है सवाल। ठीक है, ऑप्शन है चार, चीन, अमेरिका, भारत होगा या होगा रशिया, कौन सा देश होगा जहां पे सबसे ज्यादा खर्चा किया जाता है डिफेंस सेक्टर में। एनी ऑप्शंस, फटाफट बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, राइट ऑप्शन बी, ओके गुड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के द्वारा यहाँ पे सबसे ज्यादा खर्चा किया जाता है, फिर दूसरे स्थान पे आपके लिए चीन आ जाएगा, तीसरे स्थान पे भारत बना।
ठीक है। और यहां पे इसके लिए जारी करने वाली संस्था का नाम क्या हो जाएगा, सिप्री। ठीक, तो याद रखना यहाँ पे एक कंट्री और है जो आपसे पूछा जाएगा, वो है सऊदी अरेबिया। ये जो सऊदी अरब है ना, ये 5वें स्थान पे बना हुआ है और ये आपका एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके लिए इंडेक्स से जुड़ा हुआ, बोलो इंडेक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, राइट। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि चैडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी सरकार हो, अगर वो आपकी पारदर्शी है, ठीक है, अगर वो पारदर्शी मतलब आपको पता है कि वहां काम कैसे चल रहा है, वहां पे कोई भी भ्रष्टाचार नहीं, वहां पे कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, तो ऐसी सरकार को कहते हैं गुड गवर्नेंस। ठीक, तो आपसे पूछा गया कि ये जो इंडेक्स है इसमें किस देश के द्वारा टॉप किया गया है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड होगा या होगा सिंगापुर। चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिनलैंड। फिनलैंड जो है ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंतर्गत इसने टॉप किया है। और अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, आप क्या बताओगे, गुड गवर्नेंस डे। लो सवाल बदल दिया, उन्होंने इंडेक्स के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है, उन्होंने किसके बारे में पूछा है आपका, उन्होंने पूछा है यहाँ पे आपका गुड गवर्नेंस डे के बारे में। तो ये आपका कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा यहाँ पे आपका 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी के, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे यहाँ पे आपका मनाया गया था यहाँ पे गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर इसके अलावा बात की जाए तो आपके लिए एक इंडेक्स और है जिसका नाम है आपके लिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। क्या नाम है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है आपके लिए, इसके अंतर्गत यहाँ पे भारत की रैंक 42 है। वहीं अगर बात करें तो आपका यहाँ पे टॉप करने वाला देश था नॉर्वे, ठीक है, टॉप करने वाला देश कौन सा था आपके लिए, यहाँ पे नॉर्वे था, ठीक है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे एक और इंडेक्स आपका जारी हुआ था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए टोटल रैंक थी 84 और यहाँ पे आपका टॉप करने वाला देश हो जाएगा जापान, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो एक इंडेक्स आपके लिए और हो जाएगा, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। तो ये जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स होता है इसके अंतर्गत यहाँ पे आपका स्वीडन के द्वारा यहाँ पे आपका टॉप किया गया था और वहीं भारत की रैंक थी आपकी 49। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है आपके लिए कि किस देश ने यहाँ पे रोबोट प्रोटोटाइप NE01 क्लियर स्पेस ड्रैबिस को लॉन्च किया। ठीक, सवाल क्या है आपके लिए कि यहाँ पे लॉन्च किया गया आपके लिए ये जो आपके लिए यहाँ पे प्रोटोटाइप। तो अगर इस प्रोटोटाइप के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर इसको NEO-01 के नाम से जाना जाता है, नंबर वन। अब यहाँ पे अगर बात किया तो ये क्लियर स्पेस डेब्रिस है ना, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ये क्लियर स्पेस डेब्रिस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका यहाँ पर जितना भी आपके अंतरिक्ष में मलबा होगा, जितना भी आपके अंतरिक्ष में मलबा होगा ये उसको करेगा साफ, यानी कि सफाई करने के कार्य आएगा यहाँ पे आपका क्लियर स्पेस डेब्रिस। ठीक, और अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या होगा कि किस देश ने आपका यहाँ पे रोबोट प्रोटोटाइप को जारी किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन, यानी कि चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर बात किया दोस्तों आपसे, तो ये जो चाइना है, नोट कर लीजिएगा, चाइना के द्वारा यहाँ पर आपके लिए एक और मिशन भेजा गया था जिसका नाम था तियान वेन। क्या नाम था, तियान वेन नाम का यहाँ पे आपका मिशन था और इस मिशन को यहाँ पे भेजा गया था आपका मंगल ग्रह। कहाँ पे भेजा गया था, मंगल ग्रह पे भेजा गया था यहाँ पे आपका तियान वेन के नामक आपका ये स्पेस मिशन, ठीक है। और वहीं अगर बात करें आपसे चीन के बारे में, तो नोट कर लीजिएगा, चीन के दोस्तों वुहान वो जगह है जहां से आपका दोस्तों कोरोना का इजाद हुई थी। वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो अभी हाल ही में आपके चीन के द्वारा हांगकांग में, हांगकांग में जो है दोस्तों यहाँ पे आपका जो नियम होते हैं इलेक्शन के नियम होते हैं वो आपके बदले गए थे यहाँ पे चीन की सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके लिए कि यहाँ पे किस देश ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया। ध्यान से पढ़िएगा कि अभी हाल ही में किस देश ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपसे सवाल देखो क्या पूछा गया कि भारत को 10 मिलियन डॉलर, राइट, तो ये किस चीज के लिए दिया गया था? ये दिया गया था कोविड की, यहाँ पे आपकी आपकी जब ज्यादा महामारी फैल गई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे कोविड के दौरान यहाँ पे किस देश ने दिया 10 मिलियन डॉलर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा के। और वही अगर बात करें कनाडा के द्वारा, तो यहाँ पे अभी हाल ही कनाडा ने अभी दोस्तों यहाँ पे इसके आपके प्रेसिडेंट हैं जस्टिन ट्रूडो, नाम सुन लेना और उसके बारे में जरा जानिएगा। जस्टिन ट्रूडो के द्वारा यहाँ पे अभी कमेंट किया गया था किसान आंदोलन, ठीक है, और इस किसान आंदोलन के कारण ही यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो को जो है आपका माफी मांगनी पड़ी, ठीक। इसके अलावा बात करें यहाँ पे आपकी राजधानी यानी कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल यानी राजधानी आपकी कनाडा की हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा, ओटावा। ओटावा यानी कि आपकी राजधानी हो जाएगी यहाँ पे आपकी कैपिटल, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो यहाँ की जो रिवर है आपकी, यानी कि जो नदी है आपके लिए रिवर हो जाएगी, वो हो जाएगी मैकिंजे। क्या हो जाएगी? रिवर हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए मैकिंजे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर बात की दोस्तों, तो यहाँ पे जरा नोट कर लीजिएगा कि अभी हाल ही में डब्ल्यू एच ओ के द्वारा आपके भारत को, चार हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए थे, 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए थे दोस्तों यहाँ पे आपके डब्ल्यू एच ओ के द्वारा, ठीक है। ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है करंट में। अब इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट यानी एडीबी के द्वारा आपका 1.5 बिलियन दोस्तों यहाँ पे आपके दिए गए थे भारत को, यानी कि इंडिया को 1.5 बिलियन यहाँ पे आपके दिए गए थे भारत को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपके लिए सीमा शुल्क से जुड़ा हुआ, सीमा शुल्क मामले में भारत ने किस देश के साथ यहाँ पे समझौता किया है, यह है सवाल। तो सीमा शुल्क की अगर दोस्तों बात की जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कस्टम ड्यूटी कहते हैं, नंबर वन पॉइंट। और दूसरा दोस्तों, ये आपका एक देश से लेकर के जब दूसरे देश में, एक देश से जब दूसरे देश में हम लोग जब सामान या फिर कोई भी आयात निर्यात करते हैं, तब वहां पे लगाया जाता है कस्टम ड्यूटी, ठीक। तो यहाँ पे इसके लिए समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है, तो यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटेन के साथ। और भूलिएगा नहीं, ब्रिटेन के साथ अभी हाल ही में भारत ने किया था यहाँ पे आपका एक स्किल ट्रेनिंग का भी आपका समझौता, जिसके अंतर्गत यहाँ पे आपकी जो नर्स होती है उन नर्स को भेजा जाएगा ट्रेन करके यूनाइटेड किंगडम। और वहीं इसके अलावा अगर बात किया दोस्तों आपसे यहाँ पे ब्रिटेन के बारे में, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपके लिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे बोरिस जॉनसन। कौन हो जाएंगे? बोरिस जॉनसन हो जाएंगे आपके ब्रिटेन के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। और अगर बात करें यहाँ पे इसकी राजधानी यानी कैपिटल के बारे में, तो यहाँ पे इसकी राजधानी यानी कैपिटल आपके लिए हो जाएगी लंदन। लंदन के बारे में एक चीज और जान लेना जो आपके यहाँ पे सवाल बनता है, तो लंदन से जुड़ा हुआ दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक और सवाल हो जाएगा, और वो हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए दोस्तों कि लंदन जो है ये आपका थेम्स नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे है आपका दोस्तों यहाँ पे लंदन, ठीक। ये नोट कर लेना अलग से, ये सवाल पूछा गया, ठीक है। और इसके अलावा बात करें, तो अभी हाल ही में लंदन के द्वारा दोस्तों यहाँ पे अभी बात किया जीडीपी के अंतर्गत, तो जीडीपी में आपके यहाँ पे यूके की आपका स्थान हो जाएगा 5वां, यानी कि 5th, ठीक। अगला सवाल, यहाँ पे किस भारतीय कंपनी टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल किया गया? टाइम एक मैगजीन है, और इसके द्वारा यहाँ पे किस कंपनी को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी में आपका शामिल किया गया, ठीक है। चार ऑप्शंस आपके सामने, बायजू, जियो, टाटा होगा, या दोनों ए एंड बी होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो सही जवाब होगा बायजू और जियो, इन दोनों को आपका दोस्तों शामिल किया गया है टाइम पत्रिका के द्वारा 100 सबसे आपकी बड़ी महान कंपनियों के रूप। और वहीं भूलिएगा नहीं, अभी हाल ही में बैजू के द्वारा यहाँ पे आकाश नामक आपकी कोचिंग का अधिग्रहण किया गया। किसका अधिग्रहण किया गया है? आकाश कोचिंग का अधिग्रहण किया गया है बैजू के द्वारा। वहीं दोस्तों यहाँ पे जो आपका जियो प्लेटफॉर्म है, ध्यान सुनिएगा, ये जो जियो है ये पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ब्रांड है, नोट कर लेना ये सारी चीजों को, 5वां सबसे बड़ा ब्रांड है यहाँ पे आपका दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म। और अगर बात करें जियो के यहाँ पे आपके सीईओ यानी मालिक के बारे में, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए मुकेश अंबानी। कौन हो जाएंगे? मुकेश अंबानी हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे आपके जियो प्लेटफॉर्म के मुखी, ठीक है। आगे बढ़, अगला प्रश्न, किस राज्य ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक पहल को शुरू किया? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक पहल को यहाँ पे किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया?
ये है सवाल। और अगर दोस्तों बात करें आपसे ऑप्शंस के बारे में, तो गुजरात, गोवा, यूपी होगा या होगा हरियाणा। तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा। नोट कर लेना इसको, हरियाणा जो है इसके बारे में एक चीज और जान, यहां पर अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में इसके आपके गवर्नर हो जाएंगे सत्यदेव नारायण। कौन हो जाएंगे? सत्यदेव नारायण हो जाएंगे आपके यहाँ पे गवर्नर यानी राज्यपाल। और वहीं अगर बात करें सीएम के बारे में तो मनोहर लाल खट्टर, नोट कर लेना मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर। ठीक, अब इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो हरियाणा राज्य, इसके द्वारा भी हाल ही में एक योजना और शुरू की गई थी ऑक्सी वैन के नाम से। ये सारे पॉइंट्स को अलग से नोट करते जाइएगा, ऑक्सी वैन के नाम से यहाँ पे आपकी योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत करनाल और करनाल के अलावा दोस्तों पंचकुला, ये वो दो जगह है जहां पर आपके लिए 10 वैरायटी के जंगलों को उगाया जाएगा ताकि आपके ऑक्सीजन की वृद्धि बढ़ाई जाए। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि की जाए। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे पेंशन, बड़ी इंटरेस्टिंग पेंशन योजना है ये, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा इकलौती ऐसी पूरे भारत में योजना है जो कि पेड़ों को पेंशन देगी। तो पेड़ों को पेंशन देने के लिए यहाँ पे आपकी योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम था प्राण वायु। क्या नाम था? प्राण वायु पेंशन योजना। तो ये जो प्राण वायु पेंशन योजना है ये आपकी शुरू की गई थी किसके द्वारा? तो जवाब हो जाएगा आपके लिए हरियाणा राज्य के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे अगले प्रश्न के बारे में, तो अगला प्रश्न है पांचवी पीढ़ी के पाइथन, पाइथन जो है ये मिसाइल है। क्या है आपके लिए? ये मिसाइल है दोस्तों। और आपसे सवाल क्या पूछा गया? एयर टू एयर मिसाइल, मतलब हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल का नाम है पाइथन। और याद रखना इसी पाइथन को यहाँ पे हम लोग डर्बी मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डर्बी मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आपसे क्या पूछा गया है कि इसका सफल परीक्षण किसने किया? इसका सफल परीक्षण, पहला सफल परीक्षण किसने किया है? इसरो, सुपारको, डीआरडीओ या फिर सीएनईएस। तो यहां पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा आपकी पाइथन मिसाइल को बनाया गया। और भी कई सारी मिसाइलें हैं, जरा एक साथ नाम सुनिएगा। पाइथन 5 तो यहाँ पे आपका हो गया पहली मिसाइल का नाम, दूसरा हो जाएगा आकाश मिसाइल, तीसरी हो जाएगी पृथ्वी मिसाइल। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपके डीआरडीओ के द्वारा एक दवाई भी, वैक्सीन भी बनाई गई थी 2DG के नाम से। ये जो 2DG दवाई है आपकी, आपकी डीआरडीओ के द्वारा तो बनाई गई थी, लेकिन किसके लिए बनाई गई? तो नोट कर ली गया, ये आपकी कोरोना की जो बीमारी होती है उसको रोकने के लिए बनाई गई थी 2DG। और ये है आपकी पहली पहली ओरल वैक्सीन पूरी दुनिया की। ओरल वैक्सीन का मतलब जैसे आप टैबलेट खाते हो ना, ये बजाय इंजेक्शन के सीधे आपके माउथ में दी जाए। ठीक है, और वहीं इसके अलावा बात की जाए दोस्तों आपसे डीआरडीओ के बारे में, तो हाइपरसोनिक विंड टनल, कौन सी टनल है? हाइपरसोनिक विंड टनल। तो इसका निर्माण भी यहाँ पे आपका कराया गया था डीआरडीओ के द्वारा। हाइपरसोनिक विंड टनल का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जब मान लीजिए आपको कोई, आपने कोई एक नया एरोप्लेन बनाया, अब उसको सीधे तो हवा में उड़ा नहीं दोगे कि सही बना है कि नहीं बना, तो वहां पर आप एक ऐसी जगह बनाते हो जहां पे काफी तेज हवा चल रही है, तो इसी को कहा जाता है हाइपरसोनिक विंड टनल। और इसका निर्माण किया गया है डीआरडीओ संस्थान के द्वारा, जिसके मुखिया यहाँ पे नोट कर लीजिएगा हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। कौन होंगे? जी सतीश रेड्डी हो जाएंगे यहाँ पे आपके मुखिया डीआरडीओ। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड। सवाल ये पूछा गया वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है आपका, ये किस पहली भारतीय महिला को दिया गया? जी लक्ष्मी, कृति करंत, पूनम यादव या फिर प्रियंका मोहिते। तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृति करंत।